हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पेपर डिस्कस करूंगा, आई मीन जो टेस्ट आप लोग का हुआ है आज, उसका जो क्वेश्चंस है उसको हम देखेंगे, है ना। तो इसमें मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि नहीं इसको एक्सप्लेन करना चाहिए और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये फॉर्मूला बेस्ड है या सिंपल कॉन्सेप्चुअल है, तो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को मैं हिंट्स दे दूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये आपसे जो भी प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रहा हो उसको आप फिर से एक बार ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद नहीं आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आई विल सेंड सॉल्यूशन पर्सनली, है ना, व्हाट एवर डाउट यू हैव। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्या है कि पोटेंशियोमीटर मैंने बताया था, हमने इस पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं देखा। देखो क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है, सर्किट दिया हुआ है। तो फॉर पोटेंशियोमीटर एक चीज आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि फॉर क्या होगा, पोटेंशियोमीटर मीटर वायर है ना, ये बताया था रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ। ये ऑलरेडी मैंने बताया कि पोटेंशियोमीटर में क्या है। अब देखो ये दिया हुआ है कि क्या है, एक वायर है ना, एक वायर दिया हुआ है, इसको एक बैटरी से जिसका ईएमएफ क्या है, ई है, वी है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है, और ये पोटेंशियोमीटर वायर दिया हुआ है ना, यही क्या है, वायर दिया हुआ है, और इसका रेसिस्टेंस बेसिकली दिया हुआ है। अब ध्यान से देखोगे तो इसका रेसिस्टेंस ये क्या दिया हुआ है, आर नॉट दिया हुआ है, टोटल का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, बेसिकली डायग्राम में टोटल का रेसिस्टेंस होना चाहिए लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है। देखो ध्यान से, ये आर है और ये मान लो ए हुआ और ये बी हुआ और ये क्या हुआ, बी हुआ, दिस इज नथिंग बट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि देखो ये क्या होगा, टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस आर होगा, ठीक है, आर नट है, तो हाफ लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर नट बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो इस सर्किट को सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, ये कितना हुआ यहां, ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए आर नट बाई क्या हो जाएगा, टू, ये भी क्या हो जाएगा, आर नट बाई टू, ए ए बी, और ए हमने पी माना है तो इसको पी, ए आर हो गया। अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, करंट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्या निकालना है आपको, वी ए वी ए पी निकालना है, आपको क्या करना है, वी ए पी वी ए पी क्या करना है, कैलकुलेट करना। यदि इधर से करंट क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई कैसे होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर I1 जाएगा और इधर क्या होगा, I2 जाएगा, यही होगा ना। तो यदि मैं लिख सकते हैं VAP इक्वल टू क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, I1 R0 बाई क्या हो जाएगा, 2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 R। अब आप I1 I2 ये मैंने बताया, I1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इक्वल टू I R अपॉन आर नट बाई टू प्लस क्या होगा, आर होगा, आई टू इक्वल टू क्या होगा, आई आर नट बाई टू अपॉन क्या होगा, आर प्लस आर नट बाई क्या होगा, टू। अब आई कैसे कैलकुलेट करोगे भी मैं बता देता हूं, डायरेक्ट देखो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, इनका तो ये पैरेलल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो, फिर इनका पैरेलल और ये क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और फिर आप डायरेक्ट जब आई लिखोगे तो I इक्वल टू क्या होगा, देखो E अपॉन क्या हो जाएगा, R नट बाई टू प्लस R R नट बाई टू अपॉन R प्लस R नट बाई क्या हो जाएगा, जो वैल्यू रख दोगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, C होगा, ठीक है, क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका, C हो जाएगा। आप ये सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। पहले क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट बस एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है, कि रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये मैंने ऑलरेडी जब मैं पोटेंशियोमीटर पढ़ा रहा था तो उस समय ये चीज बताया था। उसके बाद क्या करना है, यहां से दो रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस क्या, आर नॉट है, एल लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है, आर नॉट दिया हुआ है,
तो एल बाई टू लेंथ का क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई टू हो जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई टू, और ई बी क्या होगा, आर नॉट बाई टू। और यहाँ हमने एक जॉगी को यहाँ फिक्स कर दिया, तो ये देखो ए और ए पैरेलल, फिर इनका कॉम्बिनेशन और ये क्या हो जाएगा, सीरीज। यहां से हम आई निकाल लेंगे और उसके बाद तो आपको आता है। दूसरा जो एक रजिस्टर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कंडक्टिविटी दी हुई है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को हम देखेंगे, क्वेश्चंस नंबर क्या है, सेकंड। अब आपको ध्यान देना है क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस देखो क्या है, आर वन है, ठीक है। आर वन इक्वल टू क्या होगा, रो वन एल अपॉन क्या होगा, दिया हुआ है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ कि दो रजिस्टर है जो क्या है, आइडेंटिकल, टू मेटल्स वायर ऑफ आइडेंटिकल डाइमेंशंस, आइडेंटिकल। तो एक मेटल वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर वन रो एल, आई मीन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, दूसरा जो रजिस्टर होगा वो क्या होगा, आर टू होगा, ये क्या हो जाएगा, रो टू एल अपॉन क्या हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, आई मीन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो लिख सकते हैं रो, आई मीन एल अपॉन सिग्मा वन ए, लिख सकते हैं। इधर भी लिख सकते हैं एल अपॉन सिग्मा टू, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब आप देखो जब इन दोनों वायर को क्या करोगे, ज्वाइंट करोगे। अब दो तरह से इसमें सीरीज दिया हुआ है, मैं पैरेलल भी आपको बता देता हूँ, पैरेलल और सीरीज में। व्हेन टू वायर, देखो ध्यान से, ये क्या है, एक वायर ए हुआ, देखो ध्यान से, एक वायर ए हो गया आइडेंटिकल वायर, और दूसरा वायर ये सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया ना यार, ये भी एल है, ये भी एल है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो यदि इसका रेसिस्टेंस लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आर एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो तो क्या लिखोगे, रो, आई मीन रो एस, आई मीन सीरीज इक्वेलेंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल लेंथ, तो टू एल अपॉन क्या लिखोगे, ए, यही होगा, ठीक है। और इनका रेजिस्टेंस देखो, इसका भी रेजिस्टेंस आर वन और आर टू दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं आर एस इक्वल टू क्या होगा, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू रो एस टू एल अपॉन क्या होगा, वेन सीरीज में कनेक्ट, वेन यहां लिख देते हैं, वेन वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो कनेक्ट जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज इट इज रहेगा। अब यहां आर वन आर टू का वैल्यू रख दो यार, कुछ नहीं है, तो एल अपॉन क्या है, सिग्मा ए प्लस क्या हुआ, एल अपॉन सिग्मा टू ए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन सिग्मा एस टू इंटू क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन ए। यहां से इसको सॉल्व करके देखो, सिग्मा वन प्लस क्या हो जाएगा, वन अपॉन सिग्मा टू इक्वल टू टू अपॉन सिग्मा एस, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा एस इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, सिग्मा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा वन सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ठीक है, इंटू टू। आई मीन कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा, सिंपल। और यदि आपको रेसिस्टिविटी लिखना है तो आप यहां से देख सकते हो कि रो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एस इक्वल टू क्या होगा, रो वन प्लस रो टू बाई क्या हो जाएगा, इक्वेलेंट सीरीज इक्वेलेंट रेसिस्टिविटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सीरीज इक्वेलेंट रेसिस्टिविटी। तो उसके बाद क्या है कि व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या होगा, व्हेन बोथ आर कनेक्टेड, ये क्वेश्चन नंबर टू है, यहां लिख देता हूं, व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन क्या हो जाएगा, इन पैरेलल। यार जब पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे तो देखो तो लेंथ चेंज होगा क्या, नहीं होगा, लेंथ चेंज होगा, नहीं होगा, यही हुआ ना, देखो पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया यार, ठीक है। इसको ऐसे सोच सकते हो, ए रेजिस्टर आर वन हो गया और ए क्या हुआ, आर टू हो गया, ए आर वन ए आर टू, यही पॉइंट क्या है, ये है, और दिस इज नथिंग बट द क्या है, बी है। अब देखो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा,
और लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। ये कितना हुआ, 2a हो गया। अब यहाँ आप RP लिखो तो RP इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, और RP यहाँ से क्या लिखोगे, रो L अपॉन क्या लिखोगे, 2a इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखोगे, रो 1 L अपॉन a प्लस रो 2 L अपॉन क्या हो जाएगा, रो 2 L अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, रो इसको रो पी लिख लो, सबसे अच्छा है ना। क्या हो जाएगा, रो पी यही होगा ना यार, अरे यही होगा ना रो पी। देखो तो ये रो रो एल अपॉन ए, फिर रो एल अपॉन ए, क्योंकि रो वन एल अपॉन ए प्लस रो टू एल अपॉन ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, रो पी बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, रो वन प्लस क्या हो जाएगा, रो, यही होगा ना। अब रो पी को क्या हम लिख सकते हैं, वन अपॉन सिग्मा पी टू इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा वन प्लस क्या हो जाएगा, ये कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, कुछ गलत कर दिया क्या लिखने वक्त, सॉरी आर पी का फॉर्मूला ही गलत लिख दिया हूँ यार, इसलिए गलत हो रहा है। देखो तो अब वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ठीक है। अब आर पी इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो यहाँ से आर पी लिख देता हूँ, आर पी इक्वल टू क्या लिखोगे, रो एल, रो पी एल अपॉन क्या लिखोगे, टू ए, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख दो तो टू ए अपॉन क्या होगा, रो पी एल इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन रो वन एल प्लस ए अपॉन क्या होगा, रो टू एल, ठीक है। तो यहाँ से टू अपॉन क्या लिखोगे, रो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन रो वन प्लस वन अपॉन रो टू। तो यहाँ से देखोगे रो पी इज इक्वल टू टू रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, और सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा सिग्मा वन प्लस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन बाई टू। तो ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, यदि एन होता तो यहाँ हम क्या लिखते, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री, आई मीन क्या होगा, वेन क्या होगा, वेन यहाँ से एक रिजल्ट भी आता है कि क्या होता है कि वेन मेटालिक वायर्स ऑफ सेम डायमेंशन हैविंग डिफरेंट कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्वेलेंट कंडक्टिविटी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल कंडक्टिविटीज। यहां से हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यानी तीन होता तो यहां क्या होता, थ्री आता, ठीक है, ऐसे आएगा। तो हम यहां से नोट में एक लिखेंगे, इसके बाद यहां से इसको नोटबुक में लिख लेना तुम लोग, है ना, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा वहां लिख लेना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वेन, एक याद रखना तो दूसरा तो नोट में यहां लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि वेन, नोट में क्या लिखेंगे यहां कि वेन, वेन टू क्या होगा, टू और मोर देन टू आइडेंटिकल आइडेंटिकल मेटालिक वायर वायर्स हैविंग डिफरेंट कंडक्टिविटी डिफरेंट कंडक्टिविटी आर क्या होगा, आर कनेक्टेड कनेक्टेड इन, फर्स्ट मैं लिख रहा हूं इन ए में सीरीज, देन क्या होगा, देन देन इक्विवेलेंट, ये याद रखना है, देन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इज हार्मोनिक हार्मोनिक मीन मीन ऑफ क्या होगा, ऑल कंडक्टिविटी
हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल कंडक्टिविटीज, आई मीन लिख सकते हो, देखो ध्यान से, एन अपॉन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा P is equal to 1 upon sigma 1 plus 1 upon sigma 2 plus 1 upon sigma 3 and so on. अब दो होगा तो यहाँ क्या करो, n equal to 2 रख दो, 3 होगा तो क्या होगा, तो ये लिख दिया. दूसरे में क्या लिखना है कि if in parallel क्या होगा, दूसरे में हम क्या लिखेंगे, B में लिखेंगे कि क्या होगा, parallel में connect होंगे. B में हम लिख देंगे कि connected in parallel then equivalent conductivity is arithmetic mean, m लिख देता हूं, m of all conductivities. ये कभी कभी पूछा भी जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे, सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां सिग्मा पी नहीं लिखना चाहिए, सिग्मा एस लिखना चाहिए, सॉरी गलत हो गया, सिग्मा पी इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री प्लस प्लस सिग्मा एन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक रिजल्ट भी मिल गया. तो ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन ए मिला. तीसरा जो दिया हुआ है, तीसरा एक्सप्लेन करने का है ही नहीं यार. तीसरा क्या करो आप, इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर दो. तो क्वेश्चन नंबर जो थ्री है, मैं इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर रहा हूँ. देखो इसमें किसका ईएमएफ ज्यादा है, ई1 का, तो ई1 माइनस क्या लिख देंगे, ई2. तो ये सर्किट जब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ लिख दो ई1 माइनस ई2. पोलरिटी किधर, किसके तरह लिखते हैं, जिसका ईएमएफ क्या है, हायर. यदि दो बैटरी सीरीज अपोजिशन में हो तो E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1 लिखेंगे, आई मीन उसका पोलरिटी हम कंसीडर करते हैं जिसका ईएमएफ क्या हो, ज्यादा हो. तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2. अब उसके बाद कुछ नहीं करना है. और यहां दिया हुआ है कि टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, कि देखो रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, यही टर्मिनल वोल्टेज होगा. ये A हुआ और B हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज. अब तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो यार, R1 प्लस R2 हो गया, R हो गया, यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं VAB क्या लिखेंगे, IR लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे, देखो जो जो मुझे लग रहा है कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना. तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, B होगा, आप देख लेना. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फोर्थ, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि फोर्थ क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन. ठीक है, तो एक्सप्लेन करूंगा. फोर्थ में क्या दिया हुआ है, आपको सिंपल क्या करना है, किरचॉफ लॉ यूज करके और वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अब आते हैं फोर्थ क्या है, आप खुद से ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, ये ध्यान देना है. यहां क्या दिया हुआ है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर आर वेरीज विथ टाइम एस. क्या दिया हुआ है, कोई चार्ज है क्यू जो रेजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है और वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ए टी माइनस क्या होगा, बी टी स्क्वायर. तो पहले जब चार्ज दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे. तो ये कितना होगा, डी क्यू अपॉन क्या होगा, डी टी. इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी ऑफ ए टी माइनस टू बी टी स्क्वायर डी टी. इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा, टू बी टी. ठीक है, अब देखो पहले ध्यान से इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुमको मालूम चल जाएगा. एक मैंने क्वेश्चन भी बताया था तुम लोगों को, शायद उसी टाइप का क्वेश्चन है. तो यहाँ क्या होगा, जब ध्यान से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे, ध्यान से जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा. इसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ऐसे आएगा आई वर्सेस. देखो पावर या हीट जनरेट तब तक होता रहेगा जब तक कि क्या होगा, करंट फ्लो होता रहेगा. यहां देखो करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे ही क्या है, डिक्रीज हो रहा है. तो यहां क्या है, जीरो कॉमा क्या है, ए है. और यहां आप देखोगे तो क्या है, जीरो कॉमा, आई मीन जीरो कॉमा क्या होगा, देखो तो आई जीरो, आई मीन आई जीरो तो टी इक्वल टू टी नट इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा, टू. I mean A upon क्या होगा, 2B होगा. तो 0 to इधर क्या है, टाइम है.
तो कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है? ए बाई टू बी सेकेंड के लिए। तो अब मैंने बताया था, जब हीट कल पढ़ा रहा था तो बताया था इसके पहले क्लास में कि हीट जूल हीटिंग इफेक्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो बताते यदि करंट टाइम के साथ वैरी हो रहा है तो हीट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, जीरो टू टी नट आई स्क्वायर आर क्या होगा डी टी, क्या होगा आई स्क्वायर आर। इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको चार्ज दिया हुआ है उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। और जितने टाइम तक करंट फ्लो होगा उतने ही टाइम तक क्या होगा, रेसिस्टर में या कंडक्टर में हीट जनरेट होगा। तो पहले मुझे ये पॉइंट आउट करना है कि नहीं कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है। ऑब्वियसली जो करंट फ्लो होना या चार्ज फ्लो होना शुरू कब हुआ होगा, टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पे, यार टाइम तो कभी निगेटिव नहीं होता है। तो अब हमने देखा कि नहीं कितने टाइम के बाद ए बाय टू बी सेकेंड तक करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद करंट फ्लो होना क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, समझ में आया ना। आई मीन उस समय क्या हो गया है, रुक गया है, इसमें दिया हुआ देखो ध्यान से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको h इक्वल टू जीरो टू टी नट आई स्क्वायर आर डी टी। अब आप बोलोगे सर इसके बाद भी तो करंट फ्लो होगा यार, तो करंट क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो इसका अब i का वैल्यू रखो, यहां से I is equal to कितना हो जाएगा, I का वैल्यू यहां से रखोगे देखो तो कितना हो जाएगा, A माइनस इंटीग्रेशन 0 टू T नट क्या होगा, A माइनस 2 बी टी द होल स्क्वायर डी टी और इंटू क्या लिखोगे R, यही होगा ना। अब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखो इंटीग्रेट पावर फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर दो यार, तो R बाई पहले मैं लिख देता हूं 3, उसके बाद t के कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो माइनस टू बी ठीक है इनटू क्या होगा a माइनस टू बी टी द होल क्यूब के पावर लिमिट क्या होगा जीरो टू टी नट, लोअर लिमिट क्या है जीरो टू टी नट। इसको जब सॉल्व करोगे देखो ये क्या है b है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको आंसर कितना मिलेगा, a क्यूब इनटू क्या हो जाएगा a क्यूब इनटू r अपॉन 6b आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, हाँ 6 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, उसका भी रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा। 6 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, इसमें सीरीज कनेक्शन का ही दिया हुआ है रिजल्ट, तो मैं जनरल रिजल्ट आपको बता रहा हूं। 6 नंबर क्वेश्चन आप क्या करना, नोटबुक में लिख लेना, क्या करना नोटबुक में लिख लेना, जहां हीटिंग इफेक्ट मैंने पढ़ाया है वहां नोटबुक में आप इसको लिख लेना और रिजल्ट पॉसिबल हो तो माइंड में रखना। ठीक है, हीटर कॉइल दिया हुआ ए, ठीक है ए हीटर कॉइल ए टेक टी वन सेकेंड टू बॉइल सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो हीट मान लो कि इस सिचुएशन में क्या लग रहा है, हम मैंने मान लिया कि कॉइल का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है आर वन है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यही देखो क्या है कॉइल है, ठीक है इधर वाटर बॉयल हो रहा होगा इसके थ्रू, इसका रेजिस्टेंस क्या है आर वन। ठीक है, तो एच इक्वल टू लिखोगे और मान लो कि देखो यहां दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद टी वन सेकेंड के बाद क्या है वाटर, आई मीन हम क्या कर रहे हैं दो डिफरेंट अलग अलग हम हीटर रखे हैं, सेमी अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या कर रहे हैं उस हीटर के थ्रू क्या कर रहे हैं बॉयल कर रहे हैं। तो फर्स्ट हीटर जब हम फर्स्ट हीटर यूज करके जब हम बॉयल कर रहे हैं तो वाटर जो है वो कितने टाइम के बाद बॉयल होना शुरू हो जा रहा है टी वन सेकेंड के बाद, सेकेंड हीटर यूज कर रहे हैं तो सेमी अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो कितने सेकेंड के बाद बॉयल होना शुरू हो जा रहा है टी टू सेकेंड के बाद। अब दोनों हीटर को हम यदि सीरीज में कनेक्ट कर दें तो ये पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद वाटर जो होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में अपने से आपको बोलूंगा कि व्हेन बोथ द हीटर विल कनेक्टेड इन पैरेलल Then after how much time the water will start boiling? समझ में आया ना, तो दो क्वेश्चन है इसमें, तो एक हीटिंग कॉइल ये है तो इसका यहाँ देखो इसके करस्पॉन्डेंस h is equal to लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर वन टी वन, सही है ना यार। हम फर्स्ट कॉइल को हीटिंग कॉइल को यूज किए तो हीट कितना लगा h1 और h1 इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर आर वन टी वन,
ठीक है, सेकंड क्वाइल को हमने यूज किया, सेकंड क्वाइल इसके रेजिस्टेंस हमने मान लिया आर टू, अगेन इससे करंट क्या होगा आई फ्लो रहा होगा, ये क्या हो गया एस टू इसका रेजिस्टेंस, तो यहां एस टू इक्वल टू लिख सकते हैं यार क्या आई स्क्वायर आर वन टी टू सॉरी आर टू टी टू, कोई डाउट नहीं है ना यहां से। अब देखो क्या है, यदि Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी शायद आपको याद होगा, तो Q इक्वल टू आई मीन Q क्या मतलब क्या हुआ हीट सप्लाई टू द वाटर, M क्या है मास ऑफ द वाटर, S क्या है स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा टी क्या है राइज इन टेम्परेचर। आपको भी मालूम है कि वाटर को बॉयल होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑल केस में क्या होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाना चाहिए, तो आसानी से क्या हो जाएगा वाटर क्या होगा बॉयल होना शुरू हो जाएगा। आई मीन डेल्टा टी ऑल केस में क्या है सेम होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर भी क्या है सेम है, स्पेसिफिक हीट भी सेम है, तो एच वन मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा एस टू। समझ में आना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस क्या होगा, सिंस क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ वाटर वाटर इज क्या होगा सेम या आर सेम, तो हेंस क्या लिखेंगे एच वन इक्वल टू एस टू, ठीक है क्या लिखेंगे H1 इक्वल टू H2। तो अब यहां से मिल देखो आंसर क्या मिल जाएगा, यहां से देखो ये दोनों को इक्वेट कर देखो, यहां से H इक्वल टू क्या हो गया, अब मुझे R1 चाहिए यार, R1 इक्वल टू क्या होगा H अपॉन आई स्क्वायर क्या होगा T1, R2 इक्वल टू क्या होगा H अपॉन क्या होगा आई स्क्वायर T2, ठीक है। अब यहां लिखेंगे व्हेन क्या होगा, व्हेन क्वाइल्स क्वाइल्स आर कनेक्टेड कनेक्टेड इन क्या होगा इन सीरीज, ठीक है जब क्वाइल्स क्या होंगे सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, तो देखो तो यहां एच जो लगेगा एच एस लिख रहा हूं, एच इक्वल टू क्या होगा अगेन आई स्क्वायर आर एस इंटू क्या होगा टी एस, I mean I क्या है सेम अमाउंट ऑफ करंट कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है TS टाइम तक, ठीक है। और देखो HS भी क्या होगा, हम यहां से लिख सकते हैं H1 वन इक्वल टू एच टू इक्वल टू एच एस भी होगा, क्यों क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो क्या है सेम है, तो हम यहां लिख सकते हैं H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं H अपॉन आई स्क्वायर टी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर वन प्लस क्या लिख सकते हैं आर टू, और R1 R2 का वैल्यू रख दो यार यहां, तो देखो ये समझ में आया आपको, अरे H इक्वल टू R1 R2, तो R1 इक्वल टू क्या हो गया H अपॉन ये R2 इक्वल टू क्या हो गया H अपॉन A, ठीक है कोई डाउट नहीं है ना आपको। तो यहां से तुम देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई मीन हमने हम यहां से TS लिखा क्या ऐसे है ना, तो HS इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो I I स्क्वायर R है ना, इसको क्या लिख सकते हैं H स्क्वायर को लिख सकते हैं, ये इसको क्या लिखे I स्क्वायर आई मीन H S इक्वल टू आई स्क्वायर आर एस टी एस है ना। अब आर एस का हम वैल्यू रख दें यहां से, देखो तो यहां से लिख सकते हैं एच आई मीन एच एच अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखो यहां से आर एस आर एस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा आर एस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू इंटू क्या होगा टी एस, यही होगा ना R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाएगा TS हो जाएगा। अब आप इसको यदि सिंप्लीफाई करोगे क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, देखो R1 R2 का वैल्यू रख दो, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि क्या होगा H अपॉन आई स्क्वायर क्या होगा R1, R1 का वैल्यू क्या है H अपॉन आई स्क्वायर क्या है T1 प्लस क्या होगा H अपॉन आई स्क्वायर टी टू इंटू क्या हो गया टी एस, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा वन इक्वल टू आई मीन एच अपॉन आई स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू इंटू टी एस इंटू क्या होगा, एच अपॉन आई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, हाँ सॉरी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी एस इक्वल टू क्या होगा, टी वन टी टू अपॉन क्या होगा, टी वन प्लस टी टू, गलत लिख दिया क्या है, ये ऐसे गलत कैसे हो गया, आर वन तो सही है यार, आर वन ये आर वन प्लस आर टू कैसे आ रहा है, सही तो है टी एस इक्वल टू टी वन टी टू अपॉन टी वन, लेकिन गलत आ रहा है ना आंसर, है ना, ये पैरेलल के लिए आना चाहिए, व्हेन कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एच एच एस आई मीन एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर एस इंटू टी एस, यही हुआ ना यार, आर एस इक्वल टू हमने आर वन प्लस आर टू, अब यहाँ आर वन प्लस आर टू का वैल्यू रख रहे हैं, तो ये गलत कैसे आ रहा है, सही तो लिखा है एच इक्वल टू हमने क्या लिखा, एच वन इक्वल टू आई स्क्वायर आर वन टी वन, यही बना एच टू इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर आर टू टी टू, ठीक है, अब जब ये दोनों यहाँ से हमने लिख दिया कि ये दोनों सेम है, तो हमने क्या लिखा आर वन इज इक्वल टू क्या होगा एच अपॉन आई स्क्वायर टी वन, है ना, और फिर लिखा आर टू इक्वल टू क्या लिखा है एच अपॉन आई स्क्वायर टी टू, ठीक है, यदि हम दोनों को कनेक्ट कर दें तो आर एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू इक्वल टू क्या लिखेंगे एच अपॉन आई इंटू क्या लिखेंगे, है ना, वन अपॉन टी वन प्लस क्या होगा वन अपॉन टी टू, ठीक है, यही होगा ना, अब इसे सिंप्लीफाई करने से ही आ रहा है, हमने क्या दिया हुआ है ये हीटर कॉइल ए टेक्स टी वन सेकेंड टू बॉइल सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर, कॉइल बी टेक टी टू सेकेंड टू बॉइल सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, यार सही तो है, हमने मिस्टेक क्या किया, आर वन एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना, मिस्टेक किया क्या, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो जब सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा यार, वही तो मैंने लिखा, एक आंसर सही दिया है ना इसका, सिक्स का क्या दिया हुआ है, सिक्स है ना, सिक्स का आंसर बी दिया हुआ है, कि हमने मिस्टेक कहाँ किया, क्योंकि गलत क्या कर रहे हैं, आर वन इक्वल टू क्या होगा एच अपॉन आई स्क्वायर टी वन, आर टू इक्वल टू एच अपॉन आई स्क्वायर टी टू, तो व्हेन कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो आर एस सही होगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर एस इंटू टी एस, और एच एस इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर आर एस टी एस, है ना, अब आर एस हमने लग दिया आर वन प्लस आर टू का वैल्यू रख दिया वहाँ से, तो आर वन प्लस आर टू का वैल्यू रखने के बाद क्या मिलेगा अपने को आंसर, एच वन, ये गलत कैसे हो रहा है, आंसर गलत दिया है क्या, हीटर कॉइल टेक टी वन सेकेंड टू बॉइल सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्यू इक्वल टू सही तो है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वन, एस टू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी टू, तो आर वन आर टू, यार गलत इसमें आंसर गलत दिया है क्या, हमने तो शायद सही सॉल्व किया यार, एच एस इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर आर एस टी एस, एच एस इक्वल टू आई स्क्वायर आर एस टी एस, तो एच अपॉन आई, और एच अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं, सही है क्या,
देखो तो सही हमने शायद सही किया है, एच आर वन आर टू यही है ना, टी वन टी टू व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो ये क्या होगा, ए और बी हो जाएगा यार, तो इनका आर एस यही हो जाएगा ना आर एस। अब यदि आप वाटर को बॉइल करोगे तो यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर एस इंटू क्या होगा, टी एस हो जाएगा यार, हमने यही वैल्यू रखा है, देख लेते हैं फिर से एक बार। अब यहां से हम लिख दें कि H, ठीक है, तो हम क्या लिख दें यहां से वन अपॉन, देखो तो वन अपॉन आई मीन यहां से हम लिख दें H अपॉन एच आई स्क्वायर आर एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच एस टी एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर एस का वैल्यू लिख दो, आर एस इक्वल टू आर वन प्लस क्या होगा आर टू। अब आर वन का वैल्यू रख दो वहां से, तो एच अपॉन देखो तो क्या होगा आई स्क्वायर टी एस इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन आई स्क्वायर टी वन प्लस क्या होगा एच अपॉन आई स्क्वायर क्या होगा टी टू, है ना। यहाँ से सॉल्व करोगे तो टी एस इक्वल टू टी वन टी टू अपॉन क्या होगा टी वन प्लस टी टू आ रहा है, ठीक है, इसको देख लेना शायद अब क्या मिस्टेक हो रहा है इसमें। यदि पैरल में हम कनेक्ट कर दें तो क्या आएगा, देखो तो पैरल में कनेक्ट कर दें तो व्हेन व्हेन टू क्वाइल्स आर क्या होगा कनेक्टेड कनेक्टेड इन क्या होगा पैरल पैरल, तो देखो तो यहाँ आई मीन दोनों क्या हो गए क्वाइल पैरल में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ जो हीट अगेन वाटर को बॉइल होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम हीट क्या होना चाहिए जेनरेट होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए सेम हीट क्या होना चाहिए ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए फ्लो होना चाहिए, ठीक है, तो हीट सप्लाई होना चाहिए। एच इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आर पी इंटू क्या लिख सकते हैं टी पी। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से लिख सकते हैं वन अपॉन आर पी इंटू क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं एच टी पी। अब वैल्यू रख दो यार, तो वन अपॉन आर वन देखो तो वन अपॉन आर वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से टी पी इज इक्वल टू क्या हो रहा है टी वन प्लस टी टू आ रहा है, ये देख लेना एक बार कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, मुझे बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, तो एक बार देख लेना, नहीं तो मैं इसको करेक्ट करके फिर से देख लूंगा, क्योंकि इसमें मेरा आंसर आ रहा है टी वन अपोजिट आ रहा है सीरीज और पैरेलल का, तो पता नहीं मैंने मिस्टेक क्या किया है ये मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, नहीं तो मैं व्हाट्सअप करके आपको इसका सोल्यूशन भेज दूंगा कि मैंने मिस्टेक क्या किया है। मुझे तो सही लिखा हूँ कि एच वन एच टू एच सेमी होगा टी वन टी टू, तो वैसे आना चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद देखो क्या है, सेवेंथ में कुछ नहीं है, एट में क्या है, एट में जो दिया हुआ है वो क्या है सिंपल मिक्स कॉम्बिनेशन का क्या है रिजल्ट आपको लिखना है। उसके बाद नाइन भी आसान है, टेन जो है क्या है वो भी आसान है, एलेवेंथ में कुछ नहीं करना है, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके बाद डायरेक्ट कहाँ, देखो 13 नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसको एक बार देख लेना तुम लोग कि सीरीज और पैरेलल अपोजिट क्यों आ रहा है, मेथड यही है, हो सकता है मैं कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक कर रहा होगा तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 13 क्वेश्चन नंबर क्या है 13, इसमें ध्यान देना है इमीडिएटली, देखो कैपेसिटर के क्या होगा तो जस्ट आफ्टर क्या होगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग क्या होगा क्लोजिंग द क्या होगा स्विच क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर कैपेसिटर बिहेव लाइक क्लोज स्विच आई मीन वीसी जो होगा वो क्या होगा जीरो हो जाएगा ना। तो देखो इसके आई मीन दोनों कैपेसिटर क्या वीसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस तरह बिहेव करेगा, ऑल जो इस तरह सर्किट हो जाएगा, जब सर्किट आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह सर्किट बन जाएगा। ये क्या हुआ, R1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा करंट। तो I जो फ्लो होगा यहाँ, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखो, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 14 में क्या दिया हुआ है, 14 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ नहीं दिया गया है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, स्टेडी स्टेट सिचुएशन। अब क्या करो, इसमें दोनों को क्या करो, दोनों बैटरी को देखो, ये दोनों बैटरी पैरेलल में है क्या, देखो तो 1 वोल्ट 2 ओम और 2.5 वोल्ट और 10 ओम, ये क्या है, पैरेलल में है क्या। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ईपी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, E1 R2 प्लस क्या लिखेंगे, E2 R1 अपॉन R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 वोल्ट आएगा। और RP इंटरनल रेजिस्टेंस लिखोगे तो क्या आएगा, देखो कितना आएगा, 20 और 30 का पैरेलल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 20 और 10 का, तो 20 इंटू 10 अपॉन 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 ओम रहेगा। अब सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब हमने क्या किया, एक पैरेलल इक्विवेलेंट से क्या किया, रिप्लेस कर दिया ये दो बैटरी को, और सर्किट ऐसे हो जाएगा। ये हो गया, यही क्या हो गया, ईपी, दिस इज आरपी, दिस इज कितना दिया हुआ है, 0.5 वोल्ट, और ये सी, ये क्या है, ए है, और दिस इज क्या है, बी है। अब देखो ये चार्ज पूछा गया, क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या मान लेंगे, स्टेडी स्टेट। और मैंने बताया था कि स्टेडी स्टेट सिचुएशन में जो भी रेजिस्टर कैपेसिटर के सीरीज में कनेक्टेड होता है, उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो अब क्या हो जाएगा, सर्किट जो होगा ऐसे हो जाएगा, ए सी हो गया, ए पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए पॉइंट 5 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। अब तो आप आसानी से सॉल्व करोगे, तो वी ए बी जो आएगा वो कितना आएगा, वी ए बी का जो वैल्यू कितना आएगा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, -1.5 वोल्ट। अब ये कैसे आएगा, आप देख सकते हो, किरचॉफ्स लॉ यूज कर दो, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं और क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं आता हूं 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, अच्छा है, और देख लेना क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। देखो क्या है, ये वायर दिया हुआ है ना, तो आपको ध्यान देना है, अब यहाँ क्या है, करंट इंटर हो रहा है, और इधर से क्या होगा, करंट निकल रहा होगा, यही है ना, ऐसे ये पॉइंट ए है, और ये क्या है, पॉइंट बी है। इस आर का लेंथ क्या है, एल दिया हुआ है, इस का एल टू दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। देखो आप ध्यान, एक चीज याद रखना है कि रेसिस्टेंस जो होगा, और टोटल रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इस वायर का टोटल रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ है, आर नॉट, और आर नॉट इक्वल टू क्या होगा, रो, देखो तो रो एल एल वन क्या होगा, एल वन एल टू अपॉन क्या हो जाएगा, ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होगा ना, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एल वन एल टू, यही होगा, यही आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। अब देखो ए अपॉन रो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं L1 L2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, R नॉट, और R नॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 ओम, एक इक्वेशन हो गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ क्या होगा, रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेंथ। तो एक रिलेशन हम और लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है। अब दो इस सर्किट ड्रॉ करोगे तो दो रजिस्टर हो जाएगा, एक दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। इस टाइप का सर्किट ड्रॉ करोगे तो कुछ सिचुएशन, ए ए पॉइंट ए होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा, बी होगा। आपको क्या करना है, ए एंड बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8/3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8/3। तो देखो तो यही दिया हुआ है, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस क्या होगा, 1 अपॉन R2, और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, देखो R1 इक्वल टू क्या लिखोगे, रो L1 अपॉन A, और R2 इक्वल टू क्या लिखोगे, रो L2 अपॉन क्या लिखोगे, L2 अपॉन क्या लिखोगे,
आरपी का फॉर्मूला लिख दो तो आरपी का क्या होगा, देखो तो ये 3/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1, यहां लिख सकते हैं ए अपॉन रो, ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे 1/L1 + 1/L2, ये क्या हुआ इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा एंड सेकंड से रो अपॉन ए का वैल्यू रख दो वहां, तो देखो ये क्या होगा 3/8 इंटू L1 + L2 / 2L इंटू क्या होगा L1 + L2 बाई क्या हो जाएगा L1 L2, यही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9/2 इक्वल टू L1 L2 द होल स्क्वायर अपॉन क्या हुआ L1 L1 L2। अब यहाँ लिख सकते हैं 9/2 L1 L2, इसमें से क्या करो L2 कॉमन ले लो, तो क्या लिख सकते हो L2 square 1 + L1 upon L2। अब 1/L1 + L2 का रेशियो निकालना है, देखो L1/L2 का रेशियो निकालना है तो हम लिख देंगे कि लेट, देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9/2 L1 L2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 + L1 upon L2 द होल स्क्वायर। अब आप इसको आसानी से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मैंने मान लिया कि लेट L1 upon L2 इक्वल टू क्या होगा x, अब ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो देखो 9/2x इक्वल टू 1 + x² + क्या होगा 2x, इसको x स्क्वायर, ठीक है x² आई मीन लिख सकते हैं 2 + 2x² + 4x - 9x इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये 2x² - 5x + 2 इक्वल टू क्या होगा 0, तो 2x² - 4x - x + 2 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करो तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू क्या होगा 1/2 आएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि L1 जो है वो L2 से क्या है छोटा है, इसलिए L1 upon L2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन आप खुद से पढ़ोगे कि क्या है कि जो सब सर्किट बन रहा है उनका उनका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या है 8/3 दिया हुआ है और टोटल रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो क्या है 12 ओम दिया हुआ है, तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्या किया कि आसानी से क्या किया R1 लिख डाला, R2 लिख डाला, R0 लिख डाला, L1 L2 के टर्म में रिलेशन मिल गया और फिर L1 upon L2 को हमने क्या माना x मान लिया और x में क्वाड्रेटिक आया, तो इसको हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या किया सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद 19 का भी आंसर क्या है, एमीटर के द्वारा रीडिंग लिखना है तो ये भी बहुत आसान है। 10 में क्या करना है आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये भी बताया था, ये बता नहीं रहा हूं, आफ्टर लॉन्ग सॉरी 10 नहीं आई मीन 20 क्या है, 20 में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच, दैट इज क्या हुआ, दैट इज इन क्या होगा स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होगा वीसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वीसी जो होता है वो क्या होता है इनफाइनाइट होता है, सॉरी वीसी इनफाइनाइट नहीं होगा, गलत लिख दिया, आई मीन आर कैपेसिटर जो होगा वो क्या होगा कैपेसिटर, वी हैव लाइक ओपन स्विच, आई मीन कैपेसिटर जो होता है वो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस को क्या करता है ऑफर करता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दिया हुआ है अब इनिशियली कैपेसिटर क्या है अनचार्ज है, तो आपको क्या करना है फाइंड द वोल्टेज ऑन कैपेसिटर आई मीन वीसी कैलकुलेट करना है, तो स्टेडी स्टेट में सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दो यार। अब स्टेडी स्टेट में मैंने बताया था कि कैपेसिटर के सीरीज में जो रजिस्टर है उसको एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, तो देखो ये सर्किट ऐसे हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। T इक्वल टू इन्फिनिटी मान लेता हूं, ये क्या हुआ 3 ओम, दिस इज 2 ओम,
एंड दिस इज क्या है कैपेसिटी। तो देखो वी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी सी इक्वल टू वी ए बी, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरल, इधर से कुछ फ्लो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, तो इधर से जो करंट जाएगा वही क्या होगा इधर, आई मीन 3 ओम और 2 ओम में जो करंट जाएगा वही क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तुम देखोगे 10 वोल्ट है, तो यहाँ से आई आसानी से मालूम चल जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन क्या हो जाएगा 5, आई मीन क्या होगा 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट मालूम चल गया तो 4 वोल्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आई मालूम चल गया तो वी सी ए बी, वी ए बी क्या होगा 2 इंटू क्या होगा आई, तो यहाँ से आसानी से आंसर मिल गया, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल वैल्यू में बता दे रहा हूँ, 22 नंबर क्वेश्चन। मैंने बताया था कि व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड क्या होगा सीरीज, तो क्या होगा ये देखना है, इसमें आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज क्या होगा, व्हेन क्वेश्चन नंबर क्या है 24, व्हेन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट पावर रेटिंग आर कनेक्टेड इन क्या होगा सीरीज, और यदि वोल्टेज रेटिंग के बारे में कुछ नहीं, वोल्टेज क्या होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, व्हेन बल्ब ऑफ डिफरेंट पावर रेटिंग बट सेम क्या होगा सेम वोल्टेज रेटिंग आर क्या होगा आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन मैंने बताया था पी इक्वल टू क्या होता है P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये मैंने बताया था PS, और PP जब लिखोगे पैरेलल तो क्या होगा पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होगा P1 प्लस क्या हो जाएगा P2। अब इसमें देखो इस क्या होगा सीरीज इक्विवेलेंट पावर और क्या होगा पैरेलल इक्विवेलेंट पावर, इसी का दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है, सब कुछ दिया हुआ है, P1 P2 का वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको इफेक्टिव, देखो ये 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क्स 40 वॉट 220 वोल्ट एंड 60 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस सेम वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट, द इफेक्टिव पावर P1 एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इफेक्टिव पावर क्या होगा P2। तो यहाँ क्या होगा इसको P1 P2 आप इसको P1 P2 P1 P2 यहाँ P1 और P2 कंसीडर कर लो और फिर कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा, यहाँ क्या पूछा गया है कि देन द रेशियो ऑफ P1 आई मीन क्या पूछा गया है PS इज टू क्या है PP इक्वल टू क्या होगा 0.24, आप वैल्यू रखो, इसको लिख भी लेना या खुद से तुम प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आपको यदि और भी कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, और TS क्वाइल वाला जो प्रॉब्लम था एक बार देख लेना फिर से, मैं ट्राई कि मैं मिस्टेक का क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।